तो क्या हाल चाल टेक क्रिटिक फैमिली, होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। चाइना हम लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही अजीब अजीब यूनिक यूनिक प्रोडक्ट्स निकालता रहता है, बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें निकालता रहता है। बात करें मोबाइल फोन्स में तो उसमें भी उसके कोई एक्सपेरिमेंट्स पीछे नहीं रहे हैं कभी। तो ये कुछ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट चाइना की तरफ से हम लोगों के पास पहुँचा है यहाँ पे, जिसका नाम है ब्लैक जोन पेप्सो। हालांकि ये इंडियन मैन्युफैक्चर का दावा किया जाता है, बट ये फ़ोन इंडियन मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, ये बाहर से इंपोर्टेड आते हैं। यहाँ पे आके इस पर स्टैंप लगा दी जाती है मेक इन इंडिया की, जो कि बिल्कुल नहीं होता है। एवरीवन नोज कि ये चीज़ें यहाँ पे नहीं बनती हैं। 2000 रुपये का ये फ़ोन हम लोगों को मार्केट से मिला। कितना कुछ इसके अंदर वैल्यू रखता है। कीपैड फ़ोन है, नॉर्मल कीपैड फ़ोन है, बट इसकी एक शेप जो है वो बहुत मज़ेदार लगी दोस्तों हम लोगों को, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो करते हैं इसको फटाफट अनरैप और आप लोगों को दिखाते हैं इसके अंदर के कुछ फीचर्स। तो दोस्तों ऐसे कुछ पैकेजिंग रहने वाली है इसकी। ब्लैक कलर की कैन टाइप, जैसे किसी एक पेप्सी की कैन होती है, सिमिलरली उस टाइप से इसकी पैकेजिंग रहने वाली है। ब्लैक जोन ब्रांड है, पेप्सी यूज़ नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉपीराइट। तो पेप्सो इन लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको नाम दिया है, हालांकि है पूरा पेप्सी स्टाइल में। ऊपर ब्लूटूथ डायलर लिखा हुआ है, देश का अपना फ़ोन एंड वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ़ोन का इसको टैग दिया है कंपनी ने। हालांकि इससे ज़्यादा छोटे फ़ोन ऑलरेडी हमें पता है, हमने मार्केट में देखे हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट में ज़रूर कहिए, हम वो भी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को दिखाएंगे कुछ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ़ोन या वर्ल्ड बिगेस्ट फ़ोन, आप कुछ देखना चाहते हैं तो हम लोगों के साथ ज़रूर कमेंट में जुड़िए। तो अभी के लिए इसको फटाफट अनरैप करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या कुछ इसके अंदर रहने वाला है। तो इस टाइप से कुछ इसकी फर्दर डिटेल्स हैं। एक हम लोगों को ये कैन फोन मिल जाएगा, इसी के अंदर बॉक्स में नीचे की तरफ हमें बैटरी मिल जाएगी, यूएसबी केबल मिल जाएगी एंड नथिंग एल्स। इससे ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे थे, और हालांकि इसके अंदर कुछ है भी नहीं ऐसा एक्सपेक्ट करने लायक। तो फटाफट फ़ोन को ऑन करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या कुछ रहने वाला है फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों आ गया हमारे हाथ में ये एकदम मज़ेदार सा, बहुत ही मज़ेदार फील हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा लगेगा। और एक्चुअली ये कैन की तरह ही ये फील हो रहा है, एक छोटी कैन हम लोगों के जैसे हाथ में आ गई हो, तो उस टाइप से ही ये हमें फील हो रहा है। यहाँ फ्रंट में आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ माइक्रो चार्जर का ऑप्शन है। पीछे की तरफ जाएं तो यस यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा, हालांकि बहुत बेसिक कैमरा है, कुछ ज़्यादा रहने वाला नहीं है कैमरे से हमें उम्मीदें। ब्लैक जोन की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ऊपर पेप्सो का स्टिकर मिल जाएगा ब्लैक जोन का, जिस पे लिखा हुआ है MTK CPU, 700 mAh की बैटरी, ब्लूटूथ एंड डुअल सिम। तो डुअल सिम है, तो डुअल सिम कहाँ से है वो पीछे से खोल के यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, डुअल सिम मिल जाएगा यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे तो SIM 1 एंड SIM 2, EMI नंबर 1 2 लिखा है, डिज़ाइन बाय ब्लैक जोन लिखा हुआ है। इसके अंदर मैं ढूंढ रहा हूँ अगर हमें कोई मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो इसके अंदर हमें एक बारी देखना पड़ेगा। तो यस दोस्तों मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी इसके अंदर है। अगर आप देखें यहाँ ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें अंदर मेमोरी कार्ड का स्लॉट का ऑप्शन भी मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया एक छोटे से फ़ोन में फिट करने के लिए। यस ये सब चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। तो फटाफट बैटरी को असेंबल करते हैं और लगा के चेक करते हैं फ़ोन में क्या कुछ मिलने वाला है। तो ये छोटी सी बैटरी को हम इसमें करते हैं इंसर्ट और इसके पीछे के द्वार को करते हैं बंद, फ़ोन को हम किया ऑन और इसको भी हटा देते हैं साइड से। तो ये हो गई इसकी डिस्प्ले ऑन। ये छोटी सी डिस्प्ले दोस्तों बहुत ही मज़ेदार लग रही है, हालांकि एक लेंस की तरह लग रही है, बहुत पीछे की तरफ डिस्प्ले, ऐसा फील फ़ोन वाला नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लेंस वाला ज़्यादा फील हो रहा है जितनी ज़्यादा ये पीछे डिस्प्ले है। एक ग्लास जो मटेरियल है उससे ऑलमोस्ट काफ़ी रेशियो पीछे इसमें हमें डिस्प्ले मिल रहे हैं। अगर आप साइड से देख पाएँ तो ये डिस्प्ले जो है काफ़ी अंदर की तरफ है, जो कि कंफर्टेबल नहीं है दोस्तों यूज़ करने के लिए। एक मजाक के तौर पे या मज़े लेने के लिए ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बट इसको एक्चुअली हम यूज़ करना चाहें तो आइस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डालने वाला ये फ़ोन रहेगा। फटाफट एक इसके कुछ मेन्यू स्टाइल पे नज़र मार ले तो फ़ोन बुक रहने वाली है, मैसेजिंग का ऑप्शन रहने वाला है, कॉल सेंटर मिलने वाला है इसके अंदर, मल्टीमीडिया मिल जाएगा, BT डायलर मिल जाएगा, ऑर्गेनाइज़र मिल जाएगा, सेटिंग्स हैं, किंग वॉइस है,
तो दोबारा रिपीट हो गया मेन्यू। मेन्यू में सच मैंने आप लोगों को कहा था कि बहुत ज़्यादा कुछ रहने वाला नहीं है, 700 mAh की बैटरी है, 4 से 5 दिन बहुत आराम से निकालेगा ये फ़ोन, इसका यूजेज इतना कम है। तो बात करें मल्टीमीडिया की दोस्तों, तो इसके अंदर हम लोगों को कैमरा कंट्रोल मिल जाएगा। कैमरा कैसा रहने वाला है आप लोग अभी डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, तो इस टाइप से ये कुछ कैमरा हम लोगों को इसका मिल जाएगा। फ्रंट में कोई कैमरा नहीं है, फ्रंट में यहाँ हम लोगों को स्पीकर मिल जाएगा बात करने के लिए, नीचे की तरफ हम लोगों को माइक मिल जाएगा, और हालांकि उतना बुरा भी नहीं है कैमरा, बट यस बहुत ज़्यादा उम्मीद आप लोग इससे कर भी नहीं सकते। एक वीडियो रिकॉर्डर हम लोगों को मिल जाएगा इसके अंदर, जो कि मेमोरी कार्ड लगा के हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसकी इंटरनल मेमोरी कुछ भी नहीं है। तो ये तो था दोस्तों पेप्सो फ़ोन ब्लैक जोन की तरफ से, जो कि हमें मार्केट से 2000 रुपये का मिला। बहुत मैं कहूँगा कि एक मज़ेदार चीज़ ज़रूर है, एक यूनिक चीज़ ज़रूर है, 2000 लगाना वर्थ नहीं है, रीज़न आप यूज़ नहीं कर पाएंगे इसको प्रॉपरली। जो कि इसकी डिस्प्ले है वो बहुत ही अंदर है, आईज़ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डालती है। मज़े के लिए लोगों को अपने दोस्तों के साथ इसका एकदम ऐसा यूनिक प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आप लोग ज़रूर खरीद सकते हैं, अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो। बट यस, इसका कोई इन्वेस्ट आप सोच रहे हैं कि अच्छी रहेगी यूज के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा मजा हमें आया नहीं, जस्ट एक पहली फील है जो आप लोगों को इसके अंदर अच्छी लगेगी, या नॉर्मल यूजेज है। अगर एक बेसिक यूजेज आप लोगों को करके साइड में रखना है, एक मजेदार सी चीज अपने पास रखनी है, तो आप लोग रख सकते हैं ये गैजेट, बट यूज़ की तरफ ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रिकमेंडेड नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को ये यूनिक गैजेट कैसा लगा हम लोगों को ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए टेक क्रिटिक को, ताकि हम लोग आपके लिए इसी टाइप की मजेदार वीडियोस लाते रहें, बनाते रहें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।